पतंग की फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा हुआ खिंचा हुआ कागज़ है। अभी इसमें और भी काम बाकी है, डोरी लगाना, सिके हुए छिले हुए बेहतरीन बेहतरीन नुकदार कमांड टंडे लगे हुए हैं। और इसके अलावा एक और डिज़ाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए गाइस, इसके अंदर आपको ये डिज़ाइन भी मिल जाएगा और भी अलग से अलग डिज़ाइन ये भी मिल जाएगा। रूट इसके अलावा कुछ और भी डिज़ाइन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये गिलासदार है, इसके अंदर एक ऑरेंज गिलासदार है, ये स्टारदार है, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज मैं आपको लेके आ गया हूं जयपुर के एक छुपे रुस्तम काइट मेकर के पास। अजीत भाई इनका नाम है दोस्तों, और आप देख सकते हैं ये काइट बना रहे हैं और इनसे मिलवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों, ये है वाजिद भाई। वाजिद भाई कैसे हालचाल आपके? बस बढ़िया। तो दोस्तों मेरे कई व्यूअर्स बोल रहे थे कि भाई कोई काइट मेकर की वीडियो लाओ, तो आज दोस्तों काइट मेकर की वीडियो लेके आ गया हूं मैं। जयपुर के बढ़िया से बढ़िया काइट मेकर ही हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये आपके सामने लाइव काइट बना रहे हैं। वाजिद भाई कितना समय हो गया आपको पतंग बनाते हुए? जी साल भर। साल भर हो गया आपको? इससे पहले कहाँ सीखी आपने सर? इससे पहले मैं नारी के में जाता था। अच्छा, लालू उस्ताद के पास। तो दोस्तों लालू उस्ताद जयपुर के, उनसे इन्होंने पतंग बनाना सीखी है। उसके अलावा इन्होंने जयपुर के टन्ना उस्ताद है, उनके लड़के से भी पतंग बनाना सीखी है, जैसे कि वाजिद भाई बता रहे थे। वाजिद भाई सही बता रहा हूँ क्या मैं? जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये कुछ पतंग है जो पीछे बनी हुई पड़ी है, कच्ची पतंग है, और डिजाइनिंग पतंग भी बनाते हैं वाजिद भाई, और इसके अलावा प्लेन भी बनाते हैं। तो वाजिद भाई कैसी पतंगें बनाते हैं आप? जी हर तरीके के बनाता हूँ, जैसे लंबे फरमे की भी और चील काट की कम बनाता हूँ, बना लेता हूँ फिर भी। ऑर्डर के हिसाब से बना देते हो? ऑर्डर के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। गोल फरमे की पतंग ज़्यादा बनाते हो? जी हाँ। तो दोस्तों वाजिद भाई है जो जयपुर के गोल फरमे की पतंगें बहुत बढ़िया बनाते हैं, इनका इनकी पतंग है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले ये पतंग बना रहे हैं, ये आपको दिखाता हूँ बनाते हुए। ये देखिए गाइस, ये इसकी छिलाई कर रहे हैं कमाने की, जिसको हम कमानी बोलते हैं। देख सकते हैं आप, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से प्रॉपर ही फिनिशिंग दे रहे हैं वाजिद भाई कमानी में। ये देखिए गाइस चेक करते हुए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कमानी छीलने के बाद वाजिद भाई चेक कर रहे हैं। दोस्तों मैं वाजिद भाई से पूछना चाहूँगा कि लई का क्या काम रहता है? वाजिद भाई इसमें पतंग बनाने में लई का क्या काम रहता है? लई के लिए भी बोलते हैं कि इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं। जी इसमें मैदे का यूज़ किया जाता है और नीला तोता भी आता है, नीला तोता भी मिलता है इसमें। अच्छा। और जॉइंट जोड़ने के लिए शक्कर डालनी पड़ती है इसमें। अच्छा, जॉइंट जोड़ने के लिए शक्कर डालनी पड़ती है। शक्कर का बहुत जरूरी काम है, शक्कर नहीं डालेगी तो पतंग अकड़ जाएगी। अच्छा, सुकड़न छोड़ देती है पतंग। तो दोस्तों ये हमारे वाजिद भाई है, आपके सामने पतंग बना रहे हैं और अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप पतंग के रिगार्डिंग। देखिए गाइस पतंग तैयार कर रहे हैं, और अपने चैनल पे पहली बार ऐसी वीडियो आ रही है लाइव पतंग बनाते हुए की, ऐसे पहले भी आई है, बड़े कारीगरों के जयपुर के सोनू भाई की बनाई है मैंने, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ये हमारे वाजिद भाई है। वाजिद भाई मिनिमम ऑर्डर कितना रहता है अपनी पतंगों का? मिनिमम 100 पतंग मिनिमम। तो दोस्तों आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं 100 पतंग मिनिमम आप मंगा सकते हैं वाजिद भाई की। कच्ची पतंग बनी है, आप देख सकते हैं क्या बेहद ही बेहतरीन पतंग बनी है। फिनिशिंग देख सकते हैं पतंग की, अभी तो बिल्कुल हाथों हाथ ही इन्होंने बनाई है, और इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस, ये इनकी पतंग है, सिके हुए छिले हुए नोकदार बेहद ही बेहतरीन कमान ठड्डे लगे हुए हैं। पतंग की फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा हुआ खिंचा हुआ कागज है। अभी इसमें और भी काम बाकी है, डोरी लगाना, चेपी लगाना, पत्ता लगाना, प्रॉपर ही आपको बना के दिखाएंगे आज पतंग। और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बेहद ही बेहतरीन बेहतरीन डिजाइन है पतंगों की जो वाजिद भाई के पास बनी हुई हैं, और अनफिनिश्ड काइट भी जो रखी हुई है उनमें भी जो डिजाइनर काइट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वाजिद भाई अपनी रेट कहाँ से, कितने रुपए से चालू हो जाती है पतंग की? जी रेट मेरी 15 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा, 15 रुपए से पोनी स्टार्ट है ना जी। और
2500 रुपये तक की रेट है। तो दोस्तों आपको 15 रुपये से 25 रुपये तक की पोनी मिल जाएगी वाजिद भाई के पास। और इनकी मोर भी दिखाऊंगा मैं, कैसी मोर रहती है पतंग की। बहुत अच्छी मोर बनाई हुई है इन्होंने, और गोल फरमा बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लंबा फरमा और गोल फरमा। चील कार्ड भी अगर आप चाहेंगे तो बना देंगे आपके लिए दोस्तों, ऑर्डर ऑन ऑर्डर। मिनिमम जो ऑर्डर रहेगा दोस्तों 100 पतंग का रहेगा। तो दोस्तों ये पतंग तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं इस पर अब डोरा लग गया है, और डोरे के ऊपर लही लगा के इसको चिपका दिया जाएगा। बेहद ही खूबसूरती से पतंग बनाते हैं वाजिद भाई। वाजिद भाई मैं आपसे कुछ चंद सवाल और करना चाहूँगा। एक रिम में कितने कितने पेपर आ जाते हैं, मतलब एक रिम में कितनी पतंग बन जाती है? एक रिम में 400 तो वो बनती है बिगड़ जॉइंट की। अच्छा, 480 पतंग। 480 पतंग बिगड़ जॉइंट के बनती है। हाँ। और बाकी की पतंग? और बाकी की 200-250 पतंग और मान लो, मतलब करीबन 700 पतंगें बन जाती है ना। हाँ, तो दोस्तों एक रिम में 700 पतंग बन जाती है, और आप देख सकते हैं आपके सामने पतंग तैयार हो रही है। पोनी पतंग है, और मात्र 15 रुपये से आपको यहाँ पे पोनी मिल जाएगी सर के पास। 15 रुपये से 25 रुपये तक की हाईएस्ट पोनी है, और डिजाइनर पोनियाँ भी मिलेंगी आपको, सिके हुए छिले हुए नोकदार कमान टड्डे की। बेहद ही बेहतरीन पतंग हमारे जयपुर के वाजिद भाई की पतंग है, जो आमेर के हांडीपुरा में रहने वाले हैं और खुद शौकीन है। तो आप समझ सकते हैं जो शौकीन होते हैं कितनी बेहद ही बेहतरीन पतंग बनाते हैं, बहुत अच्छे से पतंग को सजा के बनाते हैं, और ज़्यादा इनके पास ऑर्डर नहीं रहते हैं, उसी हिसाब से ही बनाते हैं ये, क्योंकि ज़्यादा पतंग नहीं बना पाते हैं ये। इनके अलावा और एक काम करते हैं वो, इसके अलावा नगीनों का काम भी करते हैं वाजिद भाई पतंग बनाने के अलावा। तो शौकियाना तौर पर पतंग बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी पतंग बनाते हैं। आपको फिनिशिंग और पतंग की डिजाइनर डिजाइन वो मैं भी आपको वीडियो में चेक कराऊंगा आगे। आप ये पतंग देख लीजिए बनते हुए पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर डोरा लगाया जा रहा है चारों तरफ से, वाजिद भाई ने पहले लगा दिया। आप इसको लही से चिपका के और सेट कर रहे हैं प्रॉपर। आप देख सकते हैं पतंग कैसे बनती है, स्टार्टिंग से एंड तक दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इसकी फिनिशिंग भी मैं आपको दिखाऊँगा। और इसके बनने के बाद मैं आपको वाजिद भाई ने जो डिजाइनर काइट्स बना रखी हैं वो भी हम आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ऊपर की चेपी लग गई है, क्या बेहद ही बेहतरीन पतंग लग रही है। फिनिशिंग देख सकते हैं आप पतंग की, ये साइड की चेपी लगते हुए डबल चेपी लग रही है। आप देख सकते हैं पहले एक चेपी लगा चुके हैं, शौकीन है तो अच्छी पतंग बनाएंगे बिल्कुल। देख सकते हैं हम दोस्तों इसके ऊपर नीचे की चेपी लग गई है, देख सकते हैं आप पतंग में क्या प्यारी बेहतरीन फिनिशिंग आ गई है। अब इसके अंदर मात क्या काम रह गया, बस पत्ता लगाना है, सिर्फ ये लगेगा फिर पत्ता ही लगेगा। अच्छा, एक ऊपर की दोस्तों ये कमानी की चेपी लगेगी बीच में जो लगती है, और इसके बाद पत्ता लगेगा और आपकी पतंग तैयार। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या खूबसूरत पतंग बनाई है वाजिद भाई ने। ये देखिए गाइस ये पतंग है, पोनी पतंग बनाई है सर ने। ये देखिए गाइस सिकवा छिलावा नोकदार कमा टड्डा, नीचे की चेपी डोरा प्रॉपरली बनाई है। दोस्तों देख सकते हैं पत्ता लगा रहे हैं वाजिद भाई, ब्लू काइट पे ब्लैक पत्ता लगा रहे हैं, क्या मस्त फिनिशिंग आई है पतंग के पीछे से भी। आप देख सकते हैं पतंग को, बहुत ही प्यारी पतंग बनी है, और अब आपको आगे से पत्ता लगा के दिखाएंगे।
तो दोस्तों ये हुई है पतंग तैयार। पतंग की फिनिशिंग देख सकते हैं आप, क्या बेहद ही बेहतरीन पतंग बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है पतंग में वाजिद भाई ने। तो वाजिद भाई क्या रेट रहती है इस पतंग की? ये प्लेन की तो 22 रुपये है। इसकी इस काइट की पूछ रहा हूँ मैं, ये गोल फर्मे की है। हाँ 22 रुपये की रहेगी नहीं प्लेन तो, में तो दोस्तों ये जो पतंग है 25 रुपये की पड़ेगी। ये देखिएगा इस गोल फर्मे की पतंग है, मात्र 22 रुपये में आपको ये पतंग मिल जाएगी। बिल्कुल सीधी हुई खिंची हुई पतंग है, नोकदार कमान ठड्डे लगे हुए हैं। ये देखिएगा इस ये ठड्डा देख लीजिए इसका, और ये है प्रॉपर पतंग, मात्र 22 रुपये में आपको ये पतंग मिल जाएगी। और 15 रुपये से पतंग का रेट स्टार्ट है यहाँ पे सर के पास। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कुछ जो बनी हुई डिजाइन वाली पतंग है सर के पास, फिनिश अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड। ये कच्ची लगी हुई है दोस्तों, इसमें किसी में लंबे फर्मे की पतंग है। और ये देखिएगा इस इसके भी नोकदार छिले हुए सके हुए कमान के लगे हुए, ये देख लीजिए पास में से। स्टारदार मांगल स्टारदार पतंग है, गुटाई करी हुई है पतंग में, एक एक दिखा दे। इसके अलावा कुछ और भी डिजाइन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये गिलासदार है, इसके अंदर एक ऑरेंज गिलासदार है, ये स्टारदार है, ये प्लेन ब्लैक, ये स्टार वाइट में, और ये कन्नेदार। इसके अलावा मैं कुछ फिनिश पतंग जो बनी हुई पतंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अब आपको देख ये देख डिजाइन वाली पतंगें भी देखने को मिल जाएगी। ये दोस्तों ये है पतंग इनकी गिलासदार गिलास कन्ने, और ये देखिए पतंग दोस्तों क्या बेहद ही बेहतरीन और प्यारी पतंग है। और जो ये इनका ये स्टैम है वाजिद आमिर के नाम से देख सकते हैं आप दोस्तों, आमिर के हांडीपुरे की रहने वाले हैं वाजिद भाई। ये इनका नंबर है, स्क्रीन पे भी आपको मैं नंबर दे दूंगा इनका, आपको जिनको भी ऑर्डर करनी हो वाजिद भाई से संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे। और ये पतंग की फिनिशिंग आप पतंग की फिनिशिंग देख सकते हैं, सिके हुए छिले हुए बेहद ही बेहतरीन नोकदार कमान ठंडे लगे हुए। और इसके अलावा एक और डिजाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिएगा इस इसके अंदर आपको ये डिजाइन भी मिल जाएगा, और भी अलग से अलग डिजाइन ये भी मिल जाएगा। गुटाई देखिए कितनी प्यारी करी हुई है, फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं पतंग की। ये देखिए गाइस ये देखिए स्टार में, इसको पीछे से भी दिखाता हूँ आपको कितनी प्यारी लगेगी दोस्तों। देखिए गाइस पीछे से भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पतंग है। इसके अलावा ये देखिए गाइस क्या बेहद ही बेहतरीन और प्यारी पतंग रहेगी। तो दोस्तों ये डिजाइन वाली जो पतंग रहेगी ये 25 रुपये की रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो पतंग मैंने आपको प्लेन दिखाई थी वो 22 रुपये की रहेगी, और ये जो पेपर रहेगा सर खटीमा पे रहेगा, खटीमा पे रहेगा। और अजंता वाली कोई बनवाना चाहेगा तो कितने रुपये में बनाएंगे? अजंता की महंगी बैठेगी थोड़ी, फिर भी आप आइडिया रेट का बता दीजिए। जैसे कि ये वाली खटीमा पर पड़ेगी आपको 22 रुपये 15 रुपये हर रेट की पतंग है। अच्छा, अजंता पर 2-3 रुपये बढ़ा के मिलेगी। अच्छा अजंता भी 18 रुपये मिलेगी, 25 रुपये मिलेगी और 28 रुपये की मिलेगी। तो दोस्तों अजंता वाले पेपर पे जो आपको काइट मिलेगी 18 रुपये से चालू होके मिलेगी, और जो खटीमा पे है वो आपको 15 रुपये में चालू हो जाएगी। दोस्तों ये पतंग की फिनिशिंग है, ये 22 रुपये की पतंग है गोल फर्मे की, क्या बेहद ही बेहतरीन पतंग है आप देख सकते हैं। बिल्कुल खिंची हुई और सीधी हुई पतंग है, नोकदार सिके हुए छिले हुए कमान ठड्डे लगे हुए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जयपुर में भी बेहतरीन बेहतरीन कारीगर हैं पतंग बनाने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।